किसान भाइयों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। किसान भाइयों, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि कुछ कोल्डों में झाड़ू लगना शुरू हो चुका है। अलीगढ़ के कोल्ड हों, आगरा के कोल्ड हों या कहीं के भी कोल्ड हों, कोल्ड पूरी तरह निल होने लग गए हैं, खाली होने लग गए हैं। ये सबसे अच्छा संकेत है। अब दिन ब दिन कोई ना कोई एक कोल्ड खाली होता ही दिखेगा आप लोगों को, आने वाले टाइम में और खाली होते हुए देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी बात क्या है, अगर आपके पास शुगर फ्री आलू है, जूट का आलू है, अगेती आलू है जो आप खोद रहे हो, या आपके पास लाल आलू है, सभी किसान भाइयों के लिए सबसे जरूरी बात है ये आलू का एक हफ्ता, यानी एक हफ्ता जो है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये आलू की शायद नीम को भी तैयार कर सकता है कि आगे चल के दिसंबर के पहले हफ्ते में क्या होगा, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ किसान भाइयों पर्चियाँ भी वायरल हो रही हैं जो किसान भाइयों के लिए अफवाह फैलाने का काम कर रही हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है, ये जो एक हफ्ता है इसमें क्या होगा। देखिए, एक हफ्ते में ज़्यादातर कोल्ड वाले भी चाह रहे हैं कि अपने आलू को हम कोल्ड से बाहर निकालें, ठीक है। एक हफ्ता ये जो है इसमें कोल्ड वाले भी चाह रहे हैं कि हम अपने आलू को बाहर निकालें, शुगर फ्री वाले जितने और कोल्ड वाले। अब रही बात जूट वाले कोल्डों की, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है कि उनके लिए भी एक हफ्ता ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनके यहाँ पर एक हफ्ते पहले काफ़ी कोल्ड बंद कर दिए गए। अब एक हफ्ते पहले कोल्ड बंद कर दिए और ये जो एक हफ्ता यही उनके लिए टाइम बचा है, क्योंकि 15 दिन में आलू लूज होना शुरू हो जाता है जो जूट वाला आलू है, इस बात को सभी किसान जानते हैं। तो उनके लिए भी एक हफ्ता बचा है और हमारे लिए भी लगभग एक हफ्ता बचा है, और लाल वाला जो आलू है उसके लिए भी अब एक हफ्ता है। तो यहाँ पर सभी किसान भाइयों के लिए ये एक हफ्ता ज़रूरी है। और उसके बाद अब रही बात अगेती आलू की, तो अगेती आलू के लिए ये हफ्ता क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बता दूँ। अगेती आलू में एक हफ्ते बाद तुम्हारी हर जगह का आलू चलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कुछ आलू सम्मल का भी आए, हो सकता है कुछ आलू आपका फरुखाबाद का भी आए, हो सकता है आपका ऊना होशियारपुर के बाद फिर हरियाणा पंजाब का भी शुरू हो जाए धीरे धीरे करके। इसी एक हफ्ते में हो सकता है अगेती आलू की आवक बढ़े, इसी हफ्ते में हो सकता है कोल्ड के आलू की आवक कम हो। अलीगढ़ में भी लगभग 10-20-50 कोल्ड और खाली हो जाएंगे, क्योंकि उन कोल्डों में किसी में 2000 पैकेट बचा है, किसी में 1000 पैकेट बचा है, किसी में 500 पैकेट बचा है, यही आलू के पैकेट बचे हैं। और काफ़ी कोल्ड वाले बस बाहर आलू को लगा रहे हैं, मतलब निकाल निकाल के बाहर लगा रहे हैं कोल्ड से बाहर। ऐसे भी कोल्ड है जिनमें आलू ही नहीं बचा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो एक हफ्ता है सबसे ज़्यादा हम जरूरी मानना है इस चीज़ को, और यही खेल है जो देखने वाला होगा इसके बाद क्या होगा, ये सबसे जरूरी सवाल हो सकता है काफ़ी लोगों का, इसके बाद क्या होगा। देखिए, दिसंबर के जब पहला हफ्ता शुरू होगा, नीम तो आपकी इसी हफ्ते में रख जाएगी नवंबर के लास्ट तक, लेकिन जो दिसंबर का पहला हफ्ता शुरू होगा वहाँ पर तेजी किसको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अपना देखना होगा। क्योंकि आने वाले एक हफ्ते बाद जब आलू सभी जगह का आएगा, तो अभी तो होशियारपुर का आलू दिल्ली NCR की मंडियों में घूम रहा है, आने वाले टाइम में ये जयपुर मंडी जैसे पहुँच गया है, फिर आगरा भी पहुंचेगा, आगरा से आगे और भी जगह जाएगा, हो सकता है मुंबई मंडी इधर की साइड जाए, या जिधर आगरा का आलू जा रहा है उधर भी ये जाना शुरू हो जाए जो अगेती आलू है, ठीक है। ये देखने लायक एक सीन होगा। लेकिन अगर ये आलू उधर जाता है ज़्यादा मात्रा में तो कोई बात नहीं, आलू का रेट यही रहेगा। अगर ये उधर नहीं जा पाता है, एक हफ्ते बाद भी नहीं जा पाता है, तो आलू में फिर आगरा के आलू पूर्ति कैसे डालेगा, फिर तो आगरा के आलू में किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें फ़ायदा कितना मिलेगा, एक हफ्ते में बहुत किसान तो नील हो जाएंगे, क्योंकि उनकी मशीन तो 10 दिन पहले बंद हो चुकी है, वो तो मजबूर में बेचना ही बेचना है, नहीं तो उनका आलू लूज हो जाएगा। और एक और बात है, 15 दिन पहले जिसका आलू कोल्ड में रखा है जूट में, उनके लिए तो एक ये और बात है, आज उनका आलू लग रहा है 700 रुपये पैकेट मान लेते हैं, और जैसी मान लो दिसंबर के पहले हफ्ते में उनके आलू का रेट लगे 800 रुपये पैकेट, फिर भी आपके आलू को व्यापारी 700 ही लगाएंगे उस समय भी, क्योंकि आपका आलू 15 दिन में उस कंडीशन पर पहुंच जाएगा, लूज हो जाएगा कि 700 वाली दर देने लग जाएंगे। 800 रुपये जो लेंगे वो तो VIP क्वालिटी को लेंगे। इसी समय जो देखने वाला ये माहौल है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं, गहराइयों में देख रहे हैं कि ये अलग कंडीशन बनने वाली है। ये एक हफ्ता किधर भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। और हमारा ये अनुमान है कि हर साल एक काम होता है, इस साल क्यों नहीं हो रहा, 2020 में आलू 1000 रुपये बिका, 2021 में आलू 1000 रुपये बिका, 2022 में आलू 1000 रुपये बिका, लेकिन 2023 में 1000 रुपये क्यों नहीं बिक रहा है, क्योंकि इस समय काफ़ी किसान भाइयों को परेशान किया जा रहा है, लूटमार आज भी की जा रही है। सादाबाद से 10 किलोमीटर आगे आप पहुंच जाइए, कुछ आलू के सौदे 700 रुपये 600 रुपये यही सौदा हो रहे हैं, 750 भी हो रहे हैं। लेकिन सादाबाद में कुछ कोल्ड में क्या है, 20% कोल्ड कैसे हैं, वहाँ पर आलू का सौदा 350 रुपये 450 रुपये 450 रुपये, VIP क्वालिटी एक्स्ट्रा है तो 500 रुपये 200 रुपये का अंतर है, बताइए कोल्डों में। अब वहाँ के किसान भाइयों को कितना बड़ा घाटा है, केवल 10 किलोमीटर के दायरे में।
ये चीज मतलब सोचने वाली बात है, ये हो क्या रहा है मार्केट में, जबकि किसान भाई तो सभी मेहनत करते हैं, एक किसानों को 700 रुपये का दाम मिल रहा है और उसी जगह के 8-10 किलोमीटर दूरी पे दूसरे किसानों को 500 रुपये 400 रुपये का भाव मिल रहा है, कितनी बड़ी दुख वाली बात है। एक बात तो ये होती है, चलो वेरायटी अलग है, वेरायटी भी दोनों पे 37-97, दोनों की वेरायटी गोल चाल की इसी पे रही है, फिर भी पैसे में कितना बड़ा अंतर है। यही हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है और इसी से सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ये बात मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, यही बात अब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता पड़ गई है। पहले आपको कुछ नहीं पता होती थी कि खदौनी में क्या आलू बिक गया, या टूडला में क्या बिक गया, सादाबाद में क्या बिक गया, अलीगढ़ में क्या बिक गया, अलीगढ़ के दूसरे कोल्ड में क्या बिक गया, दूसरी साइड में क्या बिक गया। लेकिन सोशल मीडिया से पता पड़ जाती है कि अलीगढ़ के इस हिस्से में इधर रेट में ये बिक रहा है, उधर हिस्से में ये बिक रहा है। पहले किसी को कुछ नहीं पता होती थी। पहले तो मैं आपको बताऊं, आप जिस कोल्ड में आलू रख रहे हो उस कोल्ड का भी आपको पता नहीं पड़ पाता था कि हमारे इस कोल्ड में क्या रेट बिका है, क्योंकि आप कोल्ड में जाओगे तो ही आपको पता पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ पता चल जाती है 2 मिनट में। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को बंद किया जाए, काफ़ी लोग इसके फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। कुछ बड़े बड़े लोग, धुरंधर लोग हैं ना, वो फ़ायदा लेते थे पहले, अब हर कोई फ़ायदा लेने लग गया है। ठीक है, इस बात को हर कोई जानता है, सोशल मीडिया से हर कोई फ़ायदा ले सकता है अब तो। और किसान भाइयों एक और बात है, यहाँ पर जो एक पर्ची वायरल हो रही है 875-880, ये जो सौदे हो रहे हैं आप मेरे पीछे देख रही हो, ये पराग कोल्ड, परम कोल्ड है, पता नहीं कौन सा कोल्ड है, इस कोल्ड की ग्रुप में बहुत ज़्यादा पर्चियाँ वायरल हो रही हैं। अब ये जो पर्चियाँ हैं वो सीधे सीधे हमारे ग्रुप में आ गई, जब हमारे ये ग्रुप में ये पर्ची आई तो आपको तो पता ही है हमारा काम है एक्शन लेने का या जानकारी निकालने का। हमने इस कोल्ड की, इस पर्ची की जांच पड़ताल की तो हमें तो ये पुरानी पर्ची नज़र आ रही है सीधी सीधी, क्योंकि पहली बात तो इसमें डेट काट दी गई है, केवल 22 तारीख दिखाई गई है, पीछे का कौन सी सन है ये नहीं बताया। दूसरी बात, एक हमारे टूटला के यादव जी हैं, वो हमारे कहने से उस कोल्ड में पहुंच गए, उस कोल्ड में पहुंचने के बाद उन्होंने जब जानकारी ली तो वहाँ कोल्ड में आलू नहीं है, 1000 पैकेट खुल लो आलू बचे, 1500 पैकेट। अब 1500 पैकेट में एक गाड़ी तो उनके सामने लोड हो रही थी, वो ये कह रहे थे कोल्ड में आलू नहीं है, आलू की पर्ची कैसे कहाँ से बारह लोड़नी है हमें नहीं पता। हमारे कोल्ड में आज तक 800 से ऊपर आलू नहीं बिका, 700 से ऊपर आलू नहीं बिक रहा है, तो ये 800 की पर्चियाँ कहाँ से बारह हो गई। तो कोल्ड वालों ने कहा है कि ये पिछले साल की हो सकती है, जो पिछले साल हमारे यहाँ सौदे हुए थे इस रेट के, आसानी से कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी वजह से काफ़ी किसान भाइयों को हमारा काम है अफवाह से बचाना। मैं तो ये अब काफ़ी लोग कहेंगे कि आप तेज़ी में नहीं रहते हो, हम तेज़ी में भी रहते हैं और मंदे जब हमें दिखता है तो मंदे में भी रहते हैं। इस समय हम न्यूटन हैं, हमें हर चीज़ एकदम बढ़िया दिख रही है, यहाँ से मार्केट या तो ऊपर रॉकेट की तरह जाएगा या यही बना रहेगा, ये चीज़ यहाँ पर सभी लोगों को दिख रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये एक हफ्ता, ठीक है, और हमेशा किसान भाइयों को अफवाह में ना फंसाना चाहिए। कारण क्या है, 800-900 रुपये की जो पर्चियाँ वायरल हो रही हैं, इससे केवल किसान को ही प्रॉब्लम आएगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्यापारी आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, कोल्ड वाले आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आड़तिया आज की डेट में सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, और कुछ सोशल मीडिया पर भी लोग स्मार्ट बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो हमारे किसान भाइयों को आएगी, इसलिए सच तक पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस पर्ची का बताया है, और यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे कहने से उस कोल्ड में गए और उसकी जांच पड़ताल निकाल के लाए। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों में भ्रम में ना आएँ, और हम तो ये चाहते हैं कि आपका 875 का रेट नहीं, आपका 1075 का रेट लगे, जिससे हमें खुशी हो और हम भी कहें कि हाँ, हमने 2023 में 1000 रुपये का रेट देखा था, इतने ज़्यादा मजबूरी के बाद भी 100 रुपये पैकेट बिकने के बावजूद भी। और देखिए, एक और कहावत है कि जिस जगह परेशानी आती है तो अच्छे दिन उधर ही आते हैं, सभी लोगों को इस बारे में पता है। हमारे घर में अगर कोई परेशानी है तो अच्छे दिन हम पे भी एक आता है, इसी तरह आलू में जब परेशानी 2030 में आई है तो हो सकता है अच्छे दिन भी आप लोगों के पास आएँ, और यही काम आज हो रहा है। जो लोग अगेती आलू की खेती कर रहे हैं, अगेती आलू का जो आलू है उनके अच्छे दिन अभी चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले साल उन्होंने 150-150 रुपये पैकेट बेचा, इस समय वो 600 रुपये पैकेट बेच रहे हैं, तो अच्छे दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दिन आने भी चाहिए और इससे भी और बेहतरीन आने चाहिए। अब बात करते हैं आज के आलू के भाव के बारे में, तो चीनी मंडी में आज तेजी देखने को मिली है, गाड़ी कम है तो तेजी आएगी, 14 से लेकर 17 रुपये किलो लो क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के बिके हैं 18 से लेकर 19-20 रुपये किलो तक, ऑर्डर का माल 19-20 भी आराम से बिक जाता है। ठीक है, ऑर्डर वाले माल की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन 17 से लेकर 18-19 रुपये किलो तक चीनी मंडी आसानी से बिक रही है। बैंगलोर मंडी की बात करें, 12 से लेकर 15 रुपये किलो, बीआईपी क्वालिटी तो 16 से लेकर 18 रुपये किलो, बैंगलोर मंडी एक ही रेट में चल रही है। पुणे मंडी की बात करें, 12 से लेकर 14, बीआईपी तो 15 रुपये किलो, एमपी का आलू बिका है 12 से लेकर 16 रुपये किलो। मुंबई मंडी की बात करें, 10 से लेकर 13, बीआईपी तो 14 रुपये किलो। नासिक मंडी में आज 1 रुपये की तेजी है, 13 से लेकर 15 रुपये किलो, बीआईपी तो 16 रुपये किलो। पटना मंडी की बात करें, 1100 से लेकर 1150 रुपये आलू बिक रहा है संदूरी आलू। लखनऊ की बात करें, 12 से लेकर 14 रुपये किलो, बीआईपी तो 16 रुपये किलो यहाँ बिक रहा है।
लखनऊ मंडी की बात करें तो चिप्सन आलू यहाँ बिका है 12 से लेकर 14, BIP तो 1500-1600 रुपये किलो तक यहाँ बिक रहा है। जयपुर मंडी की बात करें 6 से लेकर 10 रुपये किलो, BIP तो 10.5 रुपये किलो। नया आलू बिक रहा है 12 से लेकर 14, BIP तो 15 रुपये किलो। दिल्ली मंडी की बात करें आज 157 गाड़ी है और 37-97, 400 से लेकर 500-550 तक। चिप्सोना बिका अलीगढ़ का 550 से लेकर 650 रुपये तक। चड़ौसी का बिका 700 से लेकर 800 रुपये तक। सूर्य बिका यहाँ पर 600 से लेकर 750 अलीगढ़ वाला। चड़ौसी वाला बिका 750 से लेकर 850-900 रुपये तक। हाईब्रिड बिक रहा है 250 से लेकर 400 रुपये। नया आलू बिक रहा है 550 से लेकर 700-750 तक। अब किसानों की बात करते हैं यहाँ पर बाराबंकी की। बाराबंकी में 370-380 रुपये से लेकर 400 रुपये के सौदे हो रहे हैं आज भी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाराबंकी में कुछ कोल्ड में लूटमार की जा रही है, यही हमारे किसान भाई को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ जगह लूटमार की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसान भाइयों ये चीज़ देखने की अभी है कि जो कोल्ड वाला आलू है जैसे ही वो खत्म होगा फिर नए आलू की आवक बढ़ जाएगी, तो मार्केट सेम रहने की कंडीशन ज़्यादा पे है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ डिमांड जैसे शादियों की डिमांड चल रही है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कितनी भी डिमांड निकल के आ सकती है कोई नहीं जानता। अगर डिमांड निकल आई तो आप लोगों को अलग माल देखने को मिल जाएगा, और डिमांड ऐसी रही तो आप लोगों को ये भाव मिलता रहेगा, दोनों ही बात है। और अपने अच्छी क्वालिटी के आलू को भी देखते रहें, निगरानी करते रहें, कहीं वो लूज़ तो नहीं हो रहा, उसमें किल्ले तो नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आलू की क्वालिटी का भी, ठीक है। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, नमस्कार।